الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد حضرات علماء کرام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں لفظیں دے شہر والوں چپ دی وبا کرو کو لفظیں دے شہر والو چپ دی وبا کو روکو ورنہ اڈیان ہک دی وستیاں اجاڑ دے سی میرے دوستو ہمارے نوجوان علماء نے جو کہنا تھا جس جذبے اور ولولے سے انہوں نے آپ کو اپنا پیغام سنایا یقیناً میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو 25 جولائی کو منعقد ہوا تھا میں نے 26 جولائی کی تاریخ پڑھنے سے پہلے پہلے اس الیکشن کو مسترد کر دیا تھا میں نے دیکھا کہ پورے ملک میں نتیجے تبدیل کر دیے گئے اور پھر میں نے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور سب نے بیک آواز کہا کہ الیکشن سر تا سر دھاندلی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے میرے دوستو میں اس موقف پر آج بھی قائم ہوں ووٹ عوام کا حق ہے ووٹ آپ کا حق ہے آپ کے حق کو چوری کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں اور آپ کا حق آپ کو لوٹا کر ہی انشاءاللہ دم لیں میرے محترم دوستو ایک تو ناجائز حکومت اور اب 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے جس نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے جس نااہلی کا مظاہرہ کیا آج اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے اب ذرا خاموش ہو آج ملک کی کشتی ڈبو دی گئی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا فیڈرل بورڈ آف ریونیو
एफबीआर का चेयरमैन कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया होगा नहीं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तुम्हारे घर की गवाही है, तुम्हारा पंजाब का गवर्नर कहता है कि आईएमएफ ने हमसे सब कुछ लिखवा दिया है, अब पाकिस्तान की मईशत का कोई शोबा भी हमारे हाथ में नहीं है। और साल में एक बजट आता है, यहां साल में चार बजट आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जाली वजीर आजम वो बड़ा विजन रखता है और कहता है हमारे पास साल के 12 मौसम हैं। इतना अक्लमंद आदमी है, हालात से वाकिफ, विजन रखने वाला, और कहता है कि जर्मनी और जापान ये पड़ोसी हैं, इनकी सरहदात मिलती हैं आपस में। कहां जर्मनी मगरबी दुनिया में और कहां जापान मशरकी दुनिया में, और जोग्राफिए से इतना वाकिफ है कि कहता है जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती हैं। अब ये बातें पता नहीं उसने किस हालत में कही हैं, मेरे ख्याल में शहद पीकर की हूं। और फिर डेरा इस्माइल खान से, जिन्हें जाली तौर पर नुमाइंदगी दी गई, जब पार्लियामेंट में उसकी सुरीली आवाज को लोगों ने सुना तो यकीन आ गया कि ये आवाज धांधली से आ सकती है, आवाम के वोट से नहीं आ सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हमारी हुकूमत थी तो पाकिस्तान की सालाना आमदन में तरक्की का तखमीना 5.5% था और अगले साल के लिए 6.5% का अंदाजा दिया गया। लेकिन जब ये लोग आए जिन्होंने बैज लगाए हुए थे कि अमानत और दियानत हमारे अंदर है, तो पाकिस्तान की मईशत 0 से भी नीचे चली गई। पूरी दुनिया में आज हमें कोई कर्ज देने वाला नहीं, क्यों कर्ज देगा कि हमें अपना स्टेट बैंक भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। और आज हमने पाकिस्तान के स्टेट बैंक को, पाकिस्तान के मरकजी बैंक को आईएमएफ के सपुर्द कर दिया है, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज हमारा स्टेट बैंक न पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जवाबदेह है, न पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जवाबदेह है, न पाकिस्तान की के वजीर आजम को जवाबदेह है। और अगर हुकूमत कहे भी कि मुझे कर्जा चाहिए तो उसके कर्जे की दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता है। और मैं इसलिए ये बात पूरे यकीन और वसूख से कह रहा हूं कि जब तक हमने स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले नहीं किया था, तब भी जुलाई 2019 से आज तक स्टेट बैंक ने इस हुकूमत को 1 रुपए का कर्ज भी नहीं दिया। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 100% कर्जों के पैसे से हों और अपनी आमदन का कोई हिस्सा उसमें शामिल ना हो, और अपना बैंक 2 साल से आपको कर्जा नहीं दे रहा,
और अब आपने उसको अपने हाल पे छोड़ दिया कि बराह रास्त IMF से मामला तय करे, वो आइंदा पाकिस्तान की हुकूमत को क्यों कर्जा देगा? मुल्क को कलाश कर दिया गया है। आज महंगाई का क्या हाल हो गया? अभी भी कहा जा रहा है कि मजीद टैक्स लगाओ, इतने टैक्स लगाओ कि गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए बाजार से राशन खरीदने के काबिल न रहे। आज पाकिस्तान का गरीब आदमी, उसके जेब में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए राशन खरीद सके। आज एक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए दवाई खरीद सके। आज मेरे गरीब के जेब में इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों के स्कूल के फीस अदा कर सके। और बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि अगर कम से कम कमाने वाला 15,000-12,000 कमाने वाला अगर उसके घर की बिजली का बिल 7,000 और 8,000 आ जाए, आप मुझे बताएं कि वो महीना तो क्या, एक हफ्ता कैसे गुजारेगा? ये मुल्क इसलिए बना था कि इस किस्म के लोग आकर कौम पर तजर्बे करते रहेंगे। ऐसे लोगों को लाकर, नाअहलों को लाकर बैनुल अक्वामी एजेंडे पूरे किए जाएंगे। और कानून साजी क्या हुई है इस मुल्क में? अगर कानून साजी हुई तो या तो FATF के तहत पार्लियामेंट ने कानून साजी की कि किस तरह आपके मुल्क की मईशत को कब्जे में लिया जाए, किस तरह आपके ऊपर मजीद टैक्स बढ़ाए जाएं, आपकी मईशत को तंग कर दिया जाए। मुल्क को आप इस तरह डुबोएंगे और जब इलेक्शन आएगा तो खजाने से पैसे आपको मिलेंगे और फिर गली कूचे में आप पैसे बहाएंगे और कहेंगे मैं तो आपको पैसे दे रहा हूँ, आपकी गली को पक्का कर रहा हूँ, आपके घर में टूटी लगा रहा हूँ, आपके घर में मीटर लगा रहा हूँ। आप ये सियासत कर रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है और आप किसी को कह रहे हैं कि एक मीटर से आप बच जाएंगे? जब मुल्क डूबेगा तो न आप रहेंगे और न हम रहेंगे, न कोई रहेगा। इसलिए आज मैं आपके सामने ये सवाल लेकर आया हूँ और ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि जब मुल्क डूब रहा है तो आपने फैसला करना है कि PTI को वोट देकर क्या आप मुल्क डबोने के जुर्म में उनके साथ शरीक हो रहे हैं या नहीं। ये फैसला आपने करना है। मुल्क को गर्क करने के अमल में क्या आप उनके साथ शरीक होना चाहते हैं? मुल्क की किस्त डूब रही है, बल्कि डूब चुकी है। ये तो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं जो हुब्बुल वतनी की वजह से आज अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, वरना जब मुल्क पर ऐसे हालात आते हैं तो कौम बगावतें खड़े करती है। हमने इंशाल्लाह इस मुल्क को बचाना है, अल्लाह की मदद से बचाना है। इस मुल्क की बका की हम जंग लड़ रहे हैं। आज अगर हम आपसे वोट मांग रहे हैं तो अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के लिए मांग रहे हैं। माशाल्लाह, हमारी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालत यह है कि शिकायत करता है, कहता है अमेरिका का नया सदर जो बाइडन, ये मुझे फोन नहीं करता, और फिर कहता है हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मेरा फोन नहीं उठाता, एक फोन करता नहीं, दूसरा फोन उठाता नहीं।
अभी सरकारी दौरे पर वजीरों का लश्कर साथ लेकर चाइना गया तो चाइना की क़यादत ने वीडियो लिंक पर उसके साथ मुलाकात की। वीडियो लिंक पर ही बात करनी थी तो पाकिस्तान से नहीं कर सकते थे, ये खर्चा क्यों किया, जहाज क्यों ले गए और फिर वापस आने से इनकार कर दिया कि जब तक आप मुझे मिलेंगे नहीं मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता। छोटे बच्चे वाले जीते मुकाला मल है तरले की तर। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाक चाइना ताल्लुकात जब अमेरिका ने आपसे हाथ उठाया, जब यूरोप ने आपसे हाथ उठाया, जब आईएमएफ ने आपसे हाथ उठाया तो चीन ने 70 साल आपके साथ वो दोस्ती जो हिमालिया से बुलंद, बहरुल काहिल से गहरी, शहद से मीठी, लोहे से मजबूत दोस्ती थी उसे माशी दोस्ती में तब्दील किया और पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर पहले किस्त में उसने $70 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी की। और ये सिपैक ये उसी पाक चाइना ताल्लुकात की अलामत है। लेकिन जब ये नई हुकूमत आई तो इस नई हुकूमत के एजेंडे में ये बात शामिल थी कि सिपैक के मंसूबे को रोकना है। आज पूरा चीन आपसे नाराज है, चीन के लोग वापस चले गए हैं, जिस हिस्से के टेंडर हो चुके थे वही हिस्सा कुछ बना लेकिन बैनुल अक़वामी निगरानी के बगैर बनाए। और जब यहां यारक तक सिपैक बन गया, मुकम्मल हो गया तो इसका इफ्तिताह बंद कमरे में किया। बंद कमरे में क्यों करते हो, किससे शर्मा रहे हो, अपना मुंह तो दिखा दो, बूथा तो दिखा हुआ। तो हमने कहा कि ये बैनुल अक़वामी मंसूबा पाक चाइना ताल्लुकात का मजहर, उसकी अलामत हम अवामी इफ्तिताह करेंगे ताकि चीन को पाकिस्तान की अवाम की तरफ से पैगाम मिले कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपका ये मंसूबा मुकम्मल होगा, ग्वादर तक मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह रोम और क्वेटा तक अगले सेक्शन का इफ्तिताह भी। तुमने पाकिस्तान को कॉलोनी बना दिया, अगर हमने कॉलोनी में रहना होता तो हम 200 साल फिरंगी के खिलाफ न लड़ रहे होते। बयक वक्त 50,000 उलमाए किराम को तोपों से उड़ाया गया, सूलियों पे लटकाया गया और जब हिंदुस्तान की सूलियां रुक गई तो दरख्तों से लटकाया गया। तारीख की ये लाजवाब कुर्बानियां हमने इसलिए दी थी कि आप एक वक्त आएगा जब मुल्क का हुक्मरान इमरान जैसा नाआल होगा और वो फिर पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी बनाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, अमेरिका का जो रोब और दबदबा जिसके नतीजे में वो छोटी कौमों को गुलाम बनाए रखना चाहता है, पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहता है, अफगानिस्तान ने अमेरिका को अपने औकात याद दिला दिया।
और एक आलमी कुव्वत सुपर ताकत जिस शिकस्त खुर्दगी के साथ दो चार हुआ और अफगानिस्तान के साथ निकला, आज उसका रोब दबदबा टूट चुका है। और मैं कहता हूं कि अमेरिका को आज के बाद सुपर ताकत कहलाने का कोई हक हासिल नहीं। हम कारोबार करेंगे, दुनिया के साथ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मफाद को सामने होते हुए करेंगे। हमें कंगाल कर दिया आपने, न दोस्तों का छोड़ा और तन्हा कर दिया हमें। आज इंडिया की मईशत कहां खड़ी है? आज चाइना की मईशत मगरब की मईशत का मुकाबला कर रही है। आज मलेशिया और इंडोनेशिया बांग्लादेश की मईशत आसमान से बातें कर रही है, और हमसे तो इस टूटे फूटे अफगानिस्तान की मईशत भी बेहतर हो रही है। उसका पैसा भी हमसे ताकतवर है, ईरान का पैसा हमसे ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया गया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये छोटे मोटे एजेंडे के साथ नहीं आया था। पाकिस्तान को माशी लिहाज से इस तरह डुबोना, ये उसका एजेंडा था, बैरूनी एजेंडे के। और ये मैं नहीं कहता, मुझे मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे इल्जाम लगा रहा है। उनके अपने रुफका, वो दोस्त जो इसको इख्तदार में लाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर चुके, आज कहते हैं कि जिस तरह मुल्क डूबा है, फजल रहमान ठीक कहता था कि ये एजेंडे के तहत आया हुआ। आज वही एंकर्स कहते हैं, वही दानिश्वर कहते हैं कि हमने इनके साथ तआवुन किया, इनको एक आइडियल समझा, हम अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं कि हमने ये गंद क्यों किया था। मेरे दोस्तों, डेरा इस्माइल खान की तारीख संजीदा सियासत की। डेरा इस्माइल खान ने मुफ्ती महमूद को पैदा किया और दुनिया को अपना शनाख्त करवाया। संजीदा सियासत दुनिया को बताई। आज हमारे सामने उन लोगों को लाया गया है कि जिनका नाम लेना भी अपनी जुबान पर हम अपनी तौहीन समझते। आज मैं शहर में खड़ा हूं, मेरी जिंदगी आपके सामने गुजरी, मेरे वालिद और मेरे खानदान की जिंदगी आपके सामने गुजरी, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं गली कूचे के लुच्चे लफंगों की जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसकी कश्ती डबोई, यहां के लोग और यहां के जाली नुमाइंदे डेरे को डबो रहे हैं, इंशाल्लाह न पाकिस्तान को डूबने देंगे, न डेरा इस्माइल खान को डूबने देंगे। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब। तो मेरे दोस्तों, आज वोट खरीदे जा रहे हैं तरक्याती मंसूबों के नाम पर, देहातों में जाकर करोड़ों रुपए की जमानतें रखवाई जा रही हैं, पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आप बताएं
कि मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डी आई खान में आए, चश्मा राइट बैंक के नाल आया, कौन सी जमानत मुफ्ती साहब से आपने रखवाई थी कि हम आपको तब मुंतखब करेंगे, पहले ये पैसे रखो, यहां इतना वादा करो? कोई जमानत रखवाई थी आपने? लेकिन उसका मंशूर था कि मैंने अपने पसमानदा इलाके को आबाद करना है, उसको तरक्की देनी है। हम उसके विजन को आगे ले जा रहे हैं। आज अगर हम दामान के लिए लिफ्ट कैनाल की बात करते हैं, हमने तो मंजूर कराया, रुका है तो इन्ना अहलों के हाथों से सारा मंसूबा रुक गया। हमने मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, गर्ल्स कॉलेज, जरी यूनिवर्सिटी, तमाम कुछ किए, गोमलजाम, टांगजाम, ये तमाम मंसूबे जिसकी तरफ हमने पेशरफ्त थी, कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ दरमियान में रह गए। कौन सी जमानतें आपने हमसे रखवाई थी? किस गांव के लोगों ने और दामान के कौन से इलाके ने हमें कहा कि हम तब वोट देंगे, पहले आप हमारे पास इतने करोड़ रुपए जमानत रखें? लेकिन हमारा मंशूर था, हमारी हुकूमत थी सूबे में, हमारी जमीयत का मंशूर है कि मैट्रिक तक तालीम मुफ्त दी जाएगी। हमने पहले साल में प्राइमरी को मुफ्त किताबें दी, हमने अगले साल में मिडिल को मुफ्त किताबें दी, हमने उससे अगले साल मैट्रिक के तलबा को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनको मुफ्त किताबें दी, और आखिरी साल में हमने एफएससी के तलबा को भी मुफ्त किताबें मुहैया की। और फिर चैलेंज किया, हमने चैलेंज किया कि पूरी अपोजिशन बताए कि पूरे सूबे में पहाड़ की चोटी पर भी अगर कोई एक प्राइमरी स्कूल हो और उसमें एक तालिब इल्म भी वहाँ रजिस्टर्ड हो और उसको किताब न मिली हो, हमारे नोटिस में लाओ। नहीं ला सके, आज तक नहीं ला सके, बात की हुकूमतें बरकरार न रख सकी, लेकिन हमने साबित किया कि ये जमीयत का मंशूर है। मेरे दोस्तों, ये हमने फैसला किया कि तमाम अजला में ए लेवल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, 12 अजला तक हम कामयाब हुए और पूरे सूबे में हमने इमरजेंसी मुफ्त करा दी। जब आप जख्मी और टूटे फूटे हॉस्पिटल में जाते थे तो पहले आपके सामने इतनी लंबी दवाइयों की फहरिस्त रखी जाती थी, ये खरीद कर लाओ, ये ड्रिप खरीद कर लाओ। अब ये जिम्मेदारी अस्पताल की बनी, आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने हमसे कोई जमानतें रखवाई थी? ये होता है विजन, ये होता है नजरिया, ये होती है एक कमिटमेंट, और ये सिर्फ आपसे नहीं अपने रब के साथ कमिटमेंट होती है कि खिदमत खल्क ये शरीयत का हिस्सा है। जिस तरह सियासत अंबिया की वरासत है, खिदमत खल्क में तो अंबिया की वरासत है, उन्हीं की तालीमात हैं। इसको हमने कारोबार बना दिया। मेरे दोस्तों, याद रखो, जिसको देखो देहातों में जाकर हमारे भाइयों के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, तू सब वोट दे सो तेरा से पैसे दे सो को, तू सब एक करे वो करे। सियासत कारोबार नहीं, सियासत नजरिए का नाम है। सियासत सियासत होती है, उसके अपने अखलाकियात होते हैं। अपने एक मेंबरशिप के लिए लोगों की गलत तरबियत करना, उनकी गलत आदतें बनाना,
और वोट पर लोगों को रिश्वत देना, ये चीज़ें मुल्क की सियासत को तबाह बर्बाद कर देती हैं, ये नासूर है मुल्क की सियासत के लिए। लिहाजा नज़रिया बनाओ। अगर मेरा अकीदा है कि पांच वक्त मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज है और मैं अजान सुनते ही नमाज की तरफ मुतवज्जे होता हूँ और कोई मुझ पर जबर नहीं है, तो अवाम की खिदमत ये भी एक अकीदा होना चाहिए, किसी का जबर नहीं होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मसला कफील निज़ामी का नहीं है। कफील निज़ामी एक नौजवान है। हमारा बरखुरदार है, मसला ये है कि आपने बल्ले को वोट देकर मुल्क को तबाह करना है या किताब को वोट देकर मुल्क को आबाद करना है। यह है बुनियादी नुक्ता। मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं। तो आज इस इज्तिमा से आप एक पैगाम लेकर जाएं, अपने महल्लों में जाएं, अपने घरों में जाएं, अपने बैठकों में जाएं और लोगों को समझाएं कि आज इस मौके पर जब एक फैसला करने का इख्तियार एक आपके हाथ में आ गया है, अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ न कांप जाएं, तुम्हारा दिल गलत फैसला न कर ले। हमने मुल्क को बचाना है, हमने किताब को वोट देकर मुल्क की बका की गवाही देनी है, और जो लोग बल्ले को वोट देंगे उसने अपने ऊपर गवाही देनी है कि मैं इस पाकिस्तान को डुबोना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को बचाने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मैं तबसरे नहीं करता। ये है हमारा पैगाम, और हम इस खित्ते की बका, इसकी तरक्की, इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए आपके पास आए हैं, और हम आपसे यकीन हासिल करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इस वतन, इस सरजमीन, इस वसेब, इस इलाके की तरक्की और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आपने किताब का साथ देना है। अल्लाह ताला हमारी इस छोटे से अमल को कबूल फरमाए और हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रास्ता बनाए, रास्ता।